हाय, सो आज हम बेसिक एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नहीं डेमोन्स्ट्रेशन देंगे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंसते हैं वो है ग्राफ की स्केल डिसाइड करते वक्त या फिर अपैरेटस का लीस्ट काउंट देखते वक्त, क्योंकि अपैरेटस में तो आता है आंसर बट वो देखते गलत हैं, देखते सही हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमें लिखना क्या है क्योंकि उनको अपैरेटस का लीस्ट काउंट नहीं पता रहता है। सो आज मैं आपको यहाँ पर जितने भी अपैरेटस पॉसिबल हैं जिनमें लीस्ट काउंट का कुछ भी है वो हम यहाँ पर सब देखेंगे एंड कुछ वर्नियर कैलिपर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सब डिवाइसेस का आज हमको लीस्ट काउंट यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे हिसाब से, राइट? तो आइए देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड लीस्ट काउंट। अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा कुछ भी चीज़ों को यहाँ पर, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, हाल फिलहाल इतना ही याद रखो, आगे हम कुछ एडिशन इसमें करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्केल है मेरे पास, अब मुझे बताइए इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो अभी इसका लीस्ट काउंट सबको पता है कि देखो ये 1 है सबसे छोटा, तो 0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझा, यही तो वे नहीं पता है, हमको पता है कि 0.1 है बट कैसे पता चला? अब इसका सिंपल सा मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, समझो 10 रुपये में 5 चॉकलेट, ठीक है, तो 2 रुपये में कितनी चॉकलेट? तो अभी आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? x, तो फिर क्या करोगे आप? 10 × x = 5 × 2 × 10 upon 10, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। सो 2 रुपये में आएगी एक चॉकलेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखना है ये कितनी सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर 10 लाइंस हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस हैं, तो एक लाइन में कितने सेंटीमीटर होंगे? क्योंकि लीस्ट डिवीजन है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x सेंटीमीटर। ओके, सो x × 10 = 1 × 1, सो x = 1/10, एंड यही तो है 0.1 जो आपको पहले बताया था। सो लीस्ट डिवीजन, छोटे में छोटा डिवीजन हमें फाइंड करना है। तो उसी तरीके से अब फोकस कीजिए, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और देखो बताओ क्या हो सकता है, लीस्ट छोटे में छोटा डिवीजन कौन सा है। तो यहाँ पर 50 को हम समझो काउंट करते हैं, सो 0 से 50 के बीच में कितनी लाइंस है? तो यहाँ पर देखो 10 लाइंस हैं, ध्यान से देखो 0 से 50 के बीच में कितनी लाइंस है? 10 लाइंस हैं। तो अभी 10 लाइंस का आंसर है 50 मिली एम्पियर, तो एक लाइन का आंसर कितना होगा? तो वो होगा x, तो 10 × x = 1 × 50, x = 50/10, सो एक लाइन की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। तो इस अपैरेटस का लीस्ट काउंट कितना है? इस अपैरेटस का लीस्ट काउंट है 5 मिली एम्पियर। मतलब अगर समझो मेरी वो यहाँ पर रीडिंग, ये जो पॉइंटर है ये समझो सेकेंड लाइन पे है, तो सेकेंड लाइन पे है तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 मिली एम्पियर, क्योंकि एक लाइन का कितना है आंसर? 5 मिली एम्पियर। सो लीस्ट काउंट इसका कितना हुआ? इसका हुआ 5 मिली एम्पियर। आइए देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर 10 तक देखिए कितनी लाइन्स हैं, नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 10। सो 0 से 10 तक कितनी लाइंस हैं? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है 10 लाइन है। तो मेरे हिसाब से अब मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हर लाइन कितनी रीडिंग शो करेगी? तो 1। तो लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है? लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है 1। ठीक है, बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में देखो 0 से 2 तक कितनी लाइन है, ध्यान से देखो पॉज करके, तो वापस से 10 लाइंस हैं, आ जाइए इधर। सो 10 लाइंस की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी? होगी x वोल्ट, तो 1 × 2 = 10 × x, तो x = 2/10, यानी कि सिंपली हो जाएगा 0.2। सो एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो अभी समझो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और पांचवी लाइन पे समझो आपका ये पॉइंटर है, पांचवी लाइन पे, तो आपको सिंपली क्या करना है? एक लाइन की वैल्यू आपको पता है, एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो फिफ्थ लाइन की कितनी होगी? तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, सो इस अपैरेटस का लीस्ट काउंट कितना है? इसका है 0.2 वोल्ट। अब खुद से बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। ओके, सो यहाँ पर आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर
5 तक पहुंचने में कितनी लाइंस हैं यहाँ पर, 10 लाइंस है, तो एक का कितना होगा यहाँ पर लीस्ट काउंट होगा 0.5। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर मैं आपको ऑपरेटर्स दे देता हूँ, आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। अभी इसमें देखो नीचे की अलग स्केल है, ऊपर की अलग स्केल है, तो आप सिर्फ नीचे वाले का फाइंड कीजिए, 0 2.5। सो 0 से लेके 2.5 जाने तक कितनी लाइंस हैं, 10 लाइंस हैं, तो सिंपली 2.5 डिवाइड बाय 10, यानी कि इसका लीस्ट काउंट है 0.25। सो जिनको भी प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। देखो नीचे का जो मीटर है उसकी रीडिंग्स है 0, 5, 10, 15, 20, ऊपर वाले की रीडिंग्स है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। ओके, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, तो आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं कि 1 का लीस्ट काउंट कितना कितना है, या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैच कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी किट है, बस स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से वेरीफाई करते जाइए। ओके, इसको नाम दे देते हैं 2। ओके, सो ये 2 किट है, ये है नंबर 3। ओके, सो दैट्स इट। अभी लीस्ट काउंट, अभी ये तो चलो हो गया हमारा एक सेट यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइसेस आ जाते हैं जिनमें दो दो स्केल है, एक ये स्केल है और एक नीचे से स्केल है, या फिर एक ये स्केल है और एक ये, मतलब ये देखिए अंदर एक इसमें स्केल है यहाँ पर, देख रहे हो, और एक फिर सर्कुलर स्केल है। ऐसी चीज़ों का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल या फिर जो भी आपका डिवाइस है। तो एग्जांपल तौर पे अब ये वर्नियर कैलिपर है, तो अभी इसकी आप स्केल देखो तो सेम है जैसे हम यूज़ करते हैं, देखो 7, 8, 9, 10, मतलब वही है ये वाली स्केल। ठीक है, एकदम सिमिलर स्केल्स हैं, दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है। ओके, देख रहे हो सब कुछ मैच हो रही है, रीडिंग्स भी फाइन है, देखिए 8 से 9, 10, 11। सो अभी इसका लीस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल कितना है, तो वही है 0.1। बट अभी इसमें वर्नियर डिविजन्स कितने हैं, तो ये देखो वर्नियर स्केल नीचे गिवन है जिसमें सिर्फ 10 नंबर्स हैं। अभी यहाँ पर थोड़े वो डिस्टॉर्टेड हैं, बट नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स 10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी डिवाइड करूँगा 10 से, तो ये कितना मिलेगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्नियर कैलीपर है इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सब इतनी सेंटीमीटर की रीडिंग भी मेजर कर सकता है। उसी तरीके से इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। इसको अगर आप खोल दें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि 10 तक रीडिंग है और यहाँ पर एक लाइन है, यानी कि हर लाइन की रीडिंग 1 है, ध्यान से देखो, राइट। 10 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर, 0 है, हर लाइन की रीडिंग कितनी है, 1 है। ठीक है, बट ये खुद कितना सेंटीमीटर है, सो ये भी हम मेजर कर सकते हैं, ये देखो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइन है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइन है, तो एक लाइन कितनी हुई, एक लाइन हुई 0.1 सेंटीमीटर की। तो जो लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है वो है 0.1। ओके, जो लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है वो कितना है, 0.1। टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, सो टोटल देखो 70, 80, 90, और 90 से लेकर देखो वापस 0 तक भी जा रहा है, मतलब ये 0 भी है और ये 100 भी है। वापस देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड यहाँ पर 100। सो डिवाइड में आ जाएगा 100, सो यानी कि हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। मतलब स्क्रू गॉज 0.001 सेंटीमीटर की चीज़ें भी मेजर कर सकता है, और यही है इसका लीस्ट काउंट। कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, बोले होंगे सर ये गलत है कि यहाँ पर 10 लाइन है और यहाँ पर सिर्फ 10 लाइन्स है और 10 तक नंबर है, तो आंसर 1 आना चाहिए। 1 आएगा बट वो मिलीमीटर में होगा, हमको देखो ना लेंथ पता होनी चाहिए कि हम कौन सा मेजर कर रहे हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर और ये मैच हो रहा है, राइट, तो बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 0.1 लीस्ट डिवीजन डिवाइड बाय 100 सर्कुलर में 0.01। ओके, सो इस तरीके से ये बेसिक्स था, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चॉकलेट लॉजिक है, इतने चॉकलेट इतने में तो इतने कितने में। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, बेसिक फार्मूला। अगर कुछ अलग स्केल है ऐसी कुछ जिसमें एडिशनल स्केल भी है, तो डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल। सो इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट है मेरी प्रैक्टिकल्स की, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।